गुड वन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे 7:15 और अभी जस्ट मैं उठी हूँ 6:30 बजे के करीब। और उठ के मैंने मुंह धो के और अपनी चाय चढ़ा दी है। सिमरन भी उठ रही है और वो तीनों सो रहे हैं, तो सिमरन और मैं पियेंगे। तो एक बार मैं चाय पी लूँ, उसके बाद ही करूँगी कुछ। चाय डाल देते हैं। और देखो सिमरन हो चुकी है रेडी यहाँ पे स्कूल के लिए, इसका 7 बजे का स्कूल है। और चोचू अभी सो रही है, ये देखो आज हम अंदर ही सोए थे क्योंकि ना आज बहुत ज़्यादा ठंड सी हो रही है बाहर, पता नहीं कहीं बारिश पूरी सी आई है उसके लिए ठंड हो रही है। तो रात को ही हवा चल रही थी तेज़ तेज़, तो फिर मैंने बाहर बिस्तर लगाया ही नहीं हमारा। और सिमरन यहाँ पे हो चुकी है रेडी, 7:15 बज गई। अभी ये अपना नाश्ता करेगी और फिर मिल जाएगी स्कूल में। 7 बजे जाना होता है इसको स्कूल में पूरे। तो चाय पी लीजिए, मैं अपनी चाय पी रही हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। तो जी आज बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है, देखो 1.5 गिलास चावल ले ली मैंने और 2 आलू काट लिए, 2 प्याज है, 2 टमाटर है। तो फटाफट चावल छोंक देती हूँ इस बर्तन में छोटे कुकर में। तो यहाँ पर कुकर भी मैंने चढ़ा दिया है, ठीक है। तो जी चावल तो छोंक दिए मैंने देखो, और अभी ना मैं चूचू को रेडी करूँगी क्योंकि चावल बनेंगे ना इतने, सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे और फिर उनका टिफ़िन डाल दूंगी मैं। तो चावल को छोड़ देते हैं अभी पकने के लिए और मैं जा रही हूँ चूचू को उठाऊंगी और उसको रेडी करूंगी। खड़ा मेरे लड्डू, स्कूल जाना है, खड़ा जाओ। देखो जाग रही है ये लेकिन सुन नहीं रही। चूचू को कर दिया है मैंने रेडी और अभी मैं टिफिन डालूंगी चूचू का। चूचू देखो बोलो हाय गाइस। गैस निकाल लिया हमें और अभी इसको खोल लेते हैं। तो ये देखो जी चूचू लेके जाएगी मैंगो, अभी मैं ये ले जाएगी थोड़े से चावल और एक ये मैंगो लेके जाएगी। हाँ हम और कट करके डाल देते हैं चूचू के टिफिन में। तो ये देखो जी ये है हमारे चूचू का टिफिन, मैंगो डाल दिए और थोड़े से चावल डाल लिए। चूचू कह रही है मैं चावल थोड़े से ही खाऊंगी। देखो इधर चल रहा है नाश्ता मुकुल का और सलोनी का, बस ये निकलने वाले हैं, नाश्ता हो चुका। ये देखो चूचू तो रूसी रहते है, स्कूल जाती है था। तो ये देखो जी चूचू का नाश्ता चलेगा स्कूटी पे चलते चलते, चलो। ये देखो भाई इनकी गड्डी हो गई है रेडी, ले चूचू का बैग रख। हाय लड्डू, जाते वक्त वीडियो बना दियो। बाय बाय लड्डू, बाय बाय जी। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और अभी मैं अकेली हूँ घर पे और अब करूँगी घर का सारा काम। तो प्रधान जी भी वैसे आ रहे हैं, ऊपर कबूतरों को उड़ा रहे हैं। चलो आप सबको एक बार उनसे और मिलवाती हूँ मैं। देखो क्या कर रहे हो, कबूतर उड़ा रहे हैं? कितने उड़ा रखे आज, कहाँ पे है दिखाई नहीं दे रहे भी। ओ तेरे को देखो कहाँ जा रहे हैं, वो देखो जी। ये देखो जी क्या उड़ा रखे, कबूतर उड़ा रखे। दाम और कनक चल ही रही है इनकी। तो वो देखो जी हेलो, तीन कबूतर अपने। तो जी एक बार फिर से आ चुकी हूँ मैं रसोई में और वहाँ भी प्रधान जी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद करूँगी घर का सारा काम क्योंकि फिर वो नाश्ता करके आपको पता ही अपने काम से चले जाते हैं सुबह। तो जी दिन के 12:30 बज चुके हैं और अभी मेरा सारा काम हुआ है घर का। ये देखिए 12:30 बज चुकी है और अभी मेरा सारा घर का काम मैंने कर लिया, यहाँ तक कि मैंने रोटी सब्जी की भी तैयारी कर दी है। तो देखो मैंने सब्जी क्या बनाई दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो सब्जी भी बना दी मैंने, तो मैंने बनाई है यहाँ पे अरबी की सब्जी और इधर ना आटा भी लगा दिया मैंने, आटा लगा के छोड़ दिया। अभी कोई भी नहीं आया खाना खाने वाला क्योंकि बच्चे तो आएंगे आपको पता ही है 2 बजे और प्रधान जी कभी भी आ सकते हैं मतलब अपना दुकान बढ़ा के। तो इधर मैंने सारा काम कर दिया मेरा। तो
तो ये देखो मैं नहा भी चुकी हूँ और अभी ना मैं करूँगी मेकअप। तो आज ना आपको मैं दिखाती हूँ अपने लिए जो मेकअप हर रोज करती हूँ ना वो मैं क्या क्या यूज करती हूँ अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो मेकअप कर लिया अभी, तो अभी देख लो बिना मेकअप बिल्कुल, मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं लगा रखा, मैंने मुंह पे साबुन भी नहीं लगा के ना आई। मैं मुंह पे मैं साबुन नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही पानी से ही फेस वॉश कभी कभी यूज़ करती हूँ, बाकी हर दिन पानी से ही फेस को धो लेती हूँ और बाकी कुछ भी नहीं लगाती। तो जी ये है मेरा बिना मेकअप का फेस और अभी मैं आपको बताती हूँ मैं क्रीम कौन सी यूज करती हूँ। तो अभी ना मैं जब ब्यूटी का काम सीख रही थी ना तब मैंने मैडम से, ये जो हमारी ब्यूटी की मैडम थी उनसे ये वाली क्रीम परचेज की थी मैंने। तो मेरी ड्राई स्किन है ना, तो ये ड्राई स्किन की क्रीम है और विंटर की क्रीम है, तो अभी ये हो गई है ख़त्म। तो अभी मैं ये लैक्मे वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो ख़त्म होने के बाद, उससे पहले मैं पॉन्ड्स की यूज़ करती थी। तो अभी इसको लगा लेते हैं फेस पे, इसको एक ही हफ्ता हुआ लगाते हुए मुझे और अब तक 10 दिन से ही वो वाली ख़त्म हुई थी। इसीलिए मैंने और हाथ में लगा के मेरी ना ड्राई स्किन है इसलिए हर एक क्रीम सूट नहीं करती मेरे को, इसीलिए मैं ये वाली छोटी डब्बी लेके आई थी ताकि भाई सूट कर गई तो ठीक है वरना फिर ना सूट करे तो फिर मेरे कोई काम की नहीं, इसलिए मैं एक बार छोटी डब्बी लाई थी, मैं कहा सूट कर गई तो फिर बड़ी डब्बी लेके आऊंगी। ये वाली क्रीम लगाने के बाद कुछ ऐसा फेस हो जाता है मेरा बिल्कुल क्लीन सा। तो ये वाली क्रीम ना अभी मेरे को सूट कर रही है तो अभी इसकी बड़ी डब्बी लेके आऊंगी। ये कल मैं शाम को मार्केट गई थी जब लेके आई थी सामान, सब्जी लेके आई थी और कुछ थोड़ा सा मेकअप का सामान खत्म हो रहा था वो लेके आई थी, और फिर ना ये वाली लिपस्टिक लेके आई हूँ आपकी बार, ये देखो शॉर्पनर वाली लिपस्टिक है, ये ना कल ही लेके आई थी तो आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ना शॉर्पनर भी आया है, शॉर्पनर अभी इसको खोलते, काफी टाइम से मैरून कलर मेरे पास खत्म हो रखा था तो अब की बार मैरून कलर ना थोड़ी सी आपको छील के दिखाते हैं। लिपस्टिक है ठीक है, ये लगाऊंगी अभी, एक दो चीज और दिखा देती हूँ आपको फिर करना है मेकअप। तो ये मांग भरने वाली खत्म हो रखी थी, एक ये लाई हूँ, ये देखो डेली यूज की चीजें, ये ना लिप लाइनर खत्म हो रखा था ये भी लेके आई और एक लिपस्टिक ही लेके आई, इसके साथ की ना मेरे पास खत्म हो गई थी तो ये देखो इसके साथ की ये वाली खत्म हो गई थी, इसलिए मेरे को ये कलर बहुत पसंद है तो मैं दूसरी दोबारा ले आई ये कलर, ये वाली खत्म हो गई। क्रीम तो मैंने लगाई ली और अभी कर लेते हैं वो जो मेकअप हमारा बाकी है। तो जी ये है मेरी डेली यूज का सारा प्रोडक्ट जो हो चुका है मेरा मेकअप कंप्लीट, ठीक है। अभी बनाऊंगी एक दो इंस्टा रील, तब जब तक कोई घर पे नहीं आ जाता उसके बाद फिर बनाऊंगी मैं रोटी दिन की, ठीक है। तो जी अभी बज चुके हैं शाम के 5 और यहाँ पे बन रही है चूचू की मैगी, तो हमारी चूचू सो के उठ गई है और अभी उसको खानी है मैगी क्योंकि वो खाना खा के नहीं सोई थी। चूचू की मैगी बन रही है और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, लो जी चाय भी आ गई है मेरी और यहाँ पे चूचू लगी हुई है, थोड़ा सा काम रह गया चूचू का और चूचू की मैगी भी ठंडी हो चुकी है तो अभी मेरी चाय गर्म है। मैं चूचू को मैगी खिला रही हूँ और चूचू कर रही है अपना होमवर्क, ये देखो जी चूचू साथ साथ में होमवर्क कर लिया और मैगी खा रही है और मेरी चाय आ गई यहाँ पे। तो जी अभी ना कबूतरों के लिए बादाम और कणक भेज रही हूँ मैं, तो ये कणक तो डाल दी मैंने इसके अंदर, एक कटोरी कणक इस कुल्हड़ी में और आधी कटोरी बादाम इसमें डालूंगी, तो ये शाम को भेज देते हैं और ना सुबह फिर कबूतरों को चरा देते हैं। ये देखो जी ये बादाम
अब बादाम को तो एक महीना हो जाएगा जो चराते हुए, कणक अभी एक हफ्ता से शुरू करिए उनकी, तो रात को भेज देते हैं, सुबह चुगाते हैं 1:30 बजे। तो ये हमारे कबूतरों का जीत का राज। तो ये देखो जी, अभी ना मैंने टॉफी का पैकेट मंगवाया है और ये ना लड्डू गोपाल जी को चढ़ाएंगे हम, क्योंकि आज हमारा लड्डू गोपाल 5 साल का हो जाएगा। आज के दिन हम लाए थे लड्डू गोपाल को, तो आज देखो एक मैं ही है, और आज के दिन इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी मैंने, और ना मैं इनको अपने बेटे के रूप में मानती हूँ। तो आज ये 5 साल के हो गए हैं, तो इनके लिए मैंने मंगवाई टोपी, और मैं खीर बनाऊंगी, और अभी फिलहाल मैं धूपबत्ती करूंगी तो टोफी चढ़ाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। शाम की पूजा कर दी है मैंने, और लड्डू गोपाल जी को मैंने टोफी भी चढ़ा दी है। और तो देखो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ राधा रानी ने भी भोग लगा लिया टोफी का। चलो अब बाहर निकलो। बाय बाय काका। अच्छा सॉरी। तो जी इस व्लॉग को मैं करूंगी यहीं पे एंड, और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे और नए व्लॉग देखने के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, राम राम, जय श्री राम।